आपनों आंगन देखने वाला सारा भाई बहना ने घना घना राम राम सा। तो राजस्थानी थाली देखो और वीडियो बढ़िया लगा है या रेसिपी बढ़िया लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। लियो जी थन के समान चाहिए क्या क्या के चीज़ बनानी है वह थन मैं बताऊँ। मेरे किचन गार्डन में एक फूल गोभी है लेके आई हूँ। तो फूल गोभी जी मार्केट की भी मिलने पर किचन गार्डन में गोभी है फिर भी एक महीने जहाँ कीट हो बंद बाहर निकालने को के सरल न सरल तरीको हुआ बिना उबाले। तो मैं बता रही हूँ थाना मोटा मोटा जी आकर डंठल है वह तो हटा दिए हैं बाकी फूल है वो ऊपर को रख लियो। और एक बाउल ले लियो पानी गाल के भी पानी के अंदर इन्हें डुबो दिए और एक चम्मच नमक डाल दियो। नमक डाल के 2-5 मिनट डुबोया रखना है ताकि के अंदर कीट है कोई जहाँ तेलियो खूब आ रही है तेलियो भी लाग जाए और कोई लट हो कीड़ हो कोई भी है तो नमक हूँ या तो मर जाए या बारह निकल जाए। तो अभी पानी के अंदर देखो तेलियो है जो बारह है निकल गयो गोभी हट गए। तो कई बार क्यों है कि नमक नहीं डाला तो कीट भी खाना पड़े अपन। आलू गोभी दोनों काट के और हल्दी डाल दी एक चम्मच मिर्च डाल दी धनो डाल दियो 2 चम्मच और स्वाद के अनुसार कालो नमक डाल दियो इनके मिक्स कर लेंगा। अलग अलग तरीक़ों बना के देखोगा तो बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बन के तैयार हुए। कई बार क्यों है गोभी की सब्ज़ी सागर बनावा तो भाई गल भी जाए बस गोभी आज की गल जाए। तो एक कुकर के अंदर मैं तेल ले लियो जीरो डाल दियो और अजवाइन डाल लिए थोड़ी हींग डाल दी प्याज डाल दिया ही हरी मिर्च हैं टमाटर हैं बारीक काटेड़ा एक अंदर तेल के अंदर फ्राई कर लेंगा। अजवाइन सिर्फ ये गैस को नहीं भरा जी गोभी की सब्जी हूँ तो अजवाइन डालनी बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्राई स्लो गैस के अंदर फ्राई कराँगा थोड़ो सो एक माने रंग बढ़ाने खातर लाल मिर्च पाउडर डाल दियो। बाकी के मसालों तो एक सब्जी की जिकी भी है काफ़ी का टेढ़ी बाँ के अंदर मिला के रखे पहले दादी नानी यहीं ही चमकिया करती तो आज था नए स्टाइल में एक और तरीको दिखा दियो। मसारो डाल दियो और स्लो गैस के अंदर इन्हें फ्राई कर लो। जो बाउल के अंदर पानी ले मसालो है लागेड़ो वो भी पानी के अंदर थोड़ा सो पानी डाल के और आज यहाँ सब्जी है बिना गले खड़ी खड़ी सब्जी करडी करडी सब्जी रहने थोड़ी वह बढ़िया वाला के रोटी चावल कोई के साथ है। तो आज मैं प्याज की आल ले आई हूँ गूंदली बोला लोकल भाषा में। तो अभी इन जी इस सब्जी के अंदर डालांगा तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। यह भी किचन गार्डन के अंदर तुरंत काटो और हरी हरी चटनी बना के खाओ। तो आज है गूंदली भी सब्जी के अंदर डाली है तो आपको टेस्ट सब्जी को टेस्ट डबल हो जाए। मिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद में सब्जी है जी एकदम बन के तैयार हो रही है पक के तैयार हो रही है ना कोई गोभी टूटी है ना कोई आलू हर सब्जी का एक एक पीस अलग अलग खिल के तैयार हो रहे हैं। तो खुली सब्जी बनानी हो तो भाई ये तरीकों बनाओ थन मारी सब्जी कहाँ की लगी है भाभी थे कमेंट करके ज़रूर बताओगा। गरम गरम परांठा या रोटी के सागा या चावल के सागे कोई भी चीज़ सागा पाखाना चाहो तो यहाँ की सब्जी बना के खास का ना कोई ज़्यादा मिर्च मसाला ना कोई और थोड़ो सो एक छोटी बाउल के अंदर तेल डाले है तो एक सागे भी जीरो है 2 काली मिर्च है 1 लौंग है और नीम की मिर्च है। अब जो नीम फूटना शुरू हो रही है नीम की मिर्च डाली थोड़ी सी हल्दी डाल दी कच्ची हल्दी नहीं रहे ई खातर वह गूंदली कटड़ी और लाल मिर्च जरा सी डाल दी है थोड़ा सो दही दे के ई को जहाँ दही का छोंक लगाती हो तो एक रायतो है बन के तैयार हो गया। नमक स्वाद के अनुसार डाल दियो तो प्याज को गूंदली को रायतो भी बहुत ही स्वाद लगे। अल्लो जी खाओ थन बनाओ और क्या को लगे वो भी थे मन बताओ। अल्लो जी थारों कर लिया मैं राम राम फिर मिला गया दूसरे वीडियो के साथ।